यीशु के अजीम अलकादर जलाली और फ़तेहमंद नाम में और बड़े ख़ूबसूरत और प्यारे और अजीम नाम में तमाम देखने वाले नाजरीन को काशिफ़ असलम की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। जो नाम सब नामों से आला है, जो मेरे और आपके निजात दहिंदे का नाम है, जो आपके मेरे और रावल चंडावल का नाम है, जिसके बारे में लिखा है, जो कहता है कि कल आज मैं बल्कि अब तक यकसा हूँ, मैं कभी भी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरे नातेदार तुझे सब छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूँ, जिसके बारे में लिखा है वो क़यामत और ज़िंदगी है, और जिसके बारे में लिखा है उसकी रान और पोशाक पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। उसके अजीम नाम यानी यीशु के नाम में आप सब की नाजरीन की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने यह मौका मेरी ज़िंदगी के अंदर बख्शा कि मैं खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। घास सूख जाती है, फूल कुमला जाते हैं, लेकिन खुदा का ये कलाम अब तक कायम रहेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जॉन एडी का और अपनी प्यारी बहन सिस्टर रिचल जॉन का, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर आए किंग टीवी पर खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को बयान कर सकूँ। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बड़ा ख़ूबसूरत वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनने वाले हैं। आज के दिन को बहुत सारी ज़िंदगियाँ, बहुत सारे लोग देखना चाहते थे, लेकिन वो आज का दिन देख ना सके, आज का वक्त देखना चाहते थे लेकिन देख ना सके। लेकिन खुदावंद की हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर मौके फराहम करता है कि हम उसकी ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुन सकें। यह खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। जब ये होता है तो बंजर ज़मीनें सहराब हो जाती हैं, जब ये कलाम होता है तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, जब ये कलाम होता है तो समुंदर में उठती लहरें कंट्रोल हो जाती हैं, जब ये कलाम होता है तो हवाएं रुक जाती हैं, तूफ़ान थम जाते हैं, यहाँ तक के मुर्दे कफन समेत कब्रों से बाहर आ जाते हैं। कलाम हक में लिखा है कि जब ये कलाम होता है तो सूखी हड्डियों के अंदर भी जान आ जाती है। ये कलाम मुअस्सर है, ये कलाम ला तब्दील है, ये कलाम ना कभी बदला था ना कभी बदलेगा। बल्कि जब ये कलाम को हम गौर से सुनते हैं तो इंसान की ज़िंदगियाँ, इंसानों के ख्याल, इंसानों के इरादे, इंसानों का उठना, इंसानों का बैठना, इंसानों को चलना फिरना सब कुछ तब्दील हो जाता है जब हम ये इस कलाम को सुनते हैं। कलाम गौर के साथ सुनिएगा। मैं ईमान रखता हूँ कि जितनी ज़िंदगियाँ आज कलाम को गौर से सुनेगी वो यकीनन आज इस कलाम से बरकत को रिसीव करेंगी। आए मेरे साथ निकाले ज़बूर की किताब, उसका 126 ज़बूर और उसकी 5 आयत के अंदर यूँ लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो मैंने आज आयत पढ़ी है यहाँ पर लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोएंगे वो खुशी के साथ काटेंगे। हमें आंसुओं के साथ बोना किसके सामने है? हमें अपने किसी रिश्तेदार के सामने नहीं, किसी अजीज़ के सामने नहीं, किसी अपने अच्छे दोस्त के सामने नहीं रोना, हमने बल्कि यीशु मसीह के सामने यानी खुदा के सामने रोना है, ताकि वो जो ला तब्दील खुदा है, जो हमारे हालातों को बदल सकता है, जो हमारी मुश्किलों को हल कर सकता है, जो हमारी परेशानियों को हल कर सकता है, जो हमारी मुसीबतों को हल करता है, वो जोरावर खुदावंद है, उस जैसा कोई खुदा नहीं है। और वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। वो अपने लोगों के लिए बहराए कुलजम को 2 हिस्से करता है, वो अपने लोगों के लिए यरू की दीवारों को गिरा देता है, वो अपने लोगों के लिए आसमान से बन को बरसाता है। जब उसके लोग प्यास के भूख के अंदर होते हैं तो वो पहाड़ों से चश्मे जारी करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम हन्ना को देखते हैं तो उसका शौहर जो था वो हन्ना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उसकी सौतन थी, और जो उसका शौहर था उसकी 2 बीवियाँ थी, और एक का नाम लाड़काना था, उसके शौहर का नाम लाड़काना था, और उसकी सौतन का नाम फनन्ना था। जो फनन्ना थी वो हमेशा हन्ना को ताने देती थी। तो वो ताने किस बात पर देती थी? इस बात पर कि हन्ना के पास औलाद नहीं थी और फनन्ना के पास औलाद थी, और वो हमेशा अब इस बात पर बड़ा घमंड करती, बड़ा गुरूर करती, और वो उस बात पर उसे बड़े ताने मैने देती, और हमेशा हन्ना गमजदा हो जाती, परेशान हो जाती, और वो खुदा के हुजूर झुकती। वो हर साल सैला के अंदर जाते थे और सैला के अंदर जो था अहद का संदूक था, वहाँ हैकल के अंदर वो हर साल जाते, वहाँ पर जाकर वो सैर व तफरी करते, वहाँ पर वो जाकर अच्छे खाना खाते और वहाँ पर वो जाकर बड़ा घूमते फिरते और वहाँ पर वो हर साल जाते। लेकिन एक साल ऐसा आया जब हन्ना उनके साथ गई और वो हन्ना ने क्या किया, वो खाने की मेज़ पर खाना खा रहे थे और जो फनना थी वो तरह तरह की बातों से उसका दिल जो आवाज़ार कर रही थी, उसे तंग कर रही थी, उसे ताने मार रही थी। मेरे पास तो औलाद है, मेरा शोहर तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर हम आज के दौर की बात करें मेरे बहनों मेरे भाइयों, आज के दौर के अंदर जिसके पास औलाद ना हो इस गम का उसे पता है लोग किस तरह की बातें करते हैं, लोग कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा देते हैं। शायद आपकी सास ने आप पर कुछ कर दिया है, शायद आपकी ननान ने आप पर कुछ कर दिया है, शायद किसी ना किसी पर रिश्तेदार पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। लोग दरबारों पर जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं कि शायद हमें यहाँ से औलाद मिल जाए। लेकिन मैं आपको मेरे अजीज़ों मेरे बहनों मेरे भाइयों मैं आज को आप बता दूं, लेकिन जो लोग खुदा के सामने आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। जब वो एक मेज़ पर बैठे थे और वो खाना खा रहे थे और जो फनना थी वो तरह तरह की बातों से हन्ना को तंग कर रही थी, मतलब कि दिल आज़ाजारी कर रही थी। और जो हन्ना थी वो जल्दी से उठी और वो हैकल के अंदर गई और हैकल के अंदर जो अहद का संदूक था वो उसके सामने झुक कर इस कदर आंसुओं के साथ रोने लगी, वो बिल बलाने लगी। मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद यीशु मसीह पर, मैं ईमान रखता हूँ कि वो इस कदर आंसुओं के साथ रो रही होगी। वो कह रही है खुदा देख तेरी लौंडी आज तेरे हजूर आई है, आज तेरे हजूर बिलबला रही है, आज तेरे हजूर गिराजारी कर रही है। ऐ खुदावंद देख मेरी अगर कोई गलती है मेरी खता है तो मुझे मुआफ़ कर। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, बाइबल ने ऐसा नहीं लिखा लेकिन मैं अंदाज़ा लगाता हूँ जब हम किसी मुश्किल के अंदर होते हैं, जब हम किसी परेशानी के अंदर होते हैं तो हम खुदावंद के हजूर जब घुटनों के बल गिर जाते हैं तो हम इंसान होते हुए कहते हैं कि ऐ खुदावंद देख मैं तेरा बेटा नकम्मा हूँ, नकारा हूँ, बदचलन हूँ, बद किरदार हूँ, खाकसा हूं। हम इंसान ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हन्ना जो थी वो वफादार थी खुदा की, वो खुदा की बरगजीदा लोगों में थी और वो जब खुदा के सामने झुकी वो आंसुओं के साथ रो रही है, वो उसके आंसू इस कदर आंखों से बह रहे हैं, वो आंसुओं के साथ रो रही है और खुदा से वो दुआ कर रही है। ऐ मेरे खुदावंद तू इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, तू अपने लोगों के लिए आसमान से आग नाजिल बरसाता है, तू अपने लोगों के लिए शेरों की मानों में उतर जाता है, तू अपने लोगों के लिए आग की भट्टियों में उतर जाता है। तेरा खुदावंद खुदा तो गैर खुदा है, तेरा जैसा कोई नहीं है, तू हमेशा अपने लोगों की मदद करता है। जब तेरे लोग तेरे सामने झुक जाते हैं तो तू आसमान को छोड़कर ज़मीन पर उनके लिए याद आता है और उन्हें झुक कर उठा लेता है। मैं ईमान रखता हूँ उसके आंसू इस कदर थे, वो इस कदर आंसुओं के साथ रो रही थी, वो इस कदर बिलबला रही थी और दूर से एली काहिन उसे देख कर कहता है कि ये औरत शायद ताजा मैं के नशे में है। वो इस कदर आंसुओं के अंदर थी और एली काहिन हन्ना के पास जाकर कहता है कि बेटा तेरा क्या मसला है, तू इस कदर क्यों आंसुओं के साथ रो रही है। हन्ना उसे बताती है कि ऐ काहिन मेरे पास औलाद नहीं है और मुझे लोग ताने देते हैं, मेरे हक में नाबुरी हक बातें कहते हैं। और एली काहिन उसे कहता है कि मेरी बेटी खुश जा, खुदावन ने तेरी सुन ली है। और उसने हन्ना ने कहा कि अगर खुदा मुझे बेटा देगा तो मैं उसे खुदा के घर में छोड़ूंगी और उसे खुदा का खादिम बनाऊंगी। जब वो चली गई और दोबारा फिर आई तो उसके हाथ के अंदर एक खूबसूरत बेटा था और वो खुदावंद के हैकल के अंदर उस हैद के संदूक के अंदर बड़ी खुशी के साथ और बड़ी शादमानी के साथ वहाँ पर आई। मेरे अजीज़ बहनों मेरे भाइयों, जब हम खुदा के सामने झुकते हैं, जब हम उसके सामने बिलबलाते हैं, जब हम उसके सामने रोते हैं, जब हम उसके सामने गिर जाते हैं तो हमें गिर कर उठाने की कुदरत रखता है। आज अगर हम आज की दौर की बात करें, आज बहुत सारे लोग पास्टरों के पास जाते हैं, अगर वो दुआ करवाते हैं, अगर उनके पास औलाद ना हो, उनकी किसी गलती की वजह से उनके किसी गुनाह की वजह से। अक्सर लोग कहते हैं कि शायद हम पर किसी ने जादू किया है, हम पर किसी ने टूना किया है, हम पर बहुत सारे मसले हैं, हमारे शायद किसी ने हमारे खिलाफ कोई बुरा मनसूबा, कोई नाप देता है, कोई पोट देता है, मतलब कि तरह तरह की बातें करती हैं। नहीं, इस कदर हमारी दुआएं नहीं। कुछ बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा गुनाह होता है जिसकी वजह से हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग यीशु मसीह के सामने झुकते हैं उनके घरों के अंदर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ना ही उनके घर के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है। चाहे उनके पास औलाद ना हो, चाहे वो कर्ज जैसी लानत के अंदर हो, चाहे वो किसी मुश्किल के अंदर हो, चाहे वो किसी परेशानी के अंदर हो, चाहे वो किसी टेंशन के अंदर हो, जब हम खुदा के सामने झुकेंगे तो वो खुदा हमारे लिए आसमान नहीं बल्कि आसमान के दरीचों को खोल देगा। जिसके सामने हम आंसुओं के साथ बोएंगे वो हमें हमेशा खुशी के साथ काटने देगा, वो हमारी खुशी को शादमानी में बदल देगा और हम खुशी के साथ खुदावंद के घर में जाएंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। क्या खुदावंद, हमने तेरे सामने आंसुओं के साथ बोया, हमने और खुशी के साथ बोया, हमने खुशी के साथ काटा। हम इस बात के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम खुदावंद, हमारा खुदा हमेशा गैर खुदा है, वो पावरफुल खुदावंद है। हम उस पर सिर्फ ट्रस्ट नहीं करते, हम उस पर यकीन नहीं करते, हम दूसरे लोगों पर यकीन करते हैं। हम हमेशा इंसानों पर तवक्कल करना मुनासिब समझते हैं, लेकिन जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो हमेशा सरबुलंद और कामयाब होते हैं। जो उसके सामने आंसुओं के साथ बोते हैं वो हमेशा खुशी के साथ काटते हैं। हाँ, जब हम बाइबल मुकद्दस के पूरे हकायम को मानते हैं, जब इस बातों पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर खुद ब खुद मोजज़े होना शुरू हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बहुत बड़े मिरेकल्स होंगे। किसी किताब के अंदर तो वहाँ पर एक बंदा स्टोरी लिख रहा था अपनी, और उसने कहा कि मैं एक दिन दुआ कर रहा था और दुआ करते करते साहिल पर चढ़ा गया और एक समुंदर के किनारे मैं दुआ कर रहा था और दुआ करते करते मैंने खुदा से कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे सामने इतना बिलबिलाता हूँ, तेरे सामने रोता हूँ, मैं तेरे हजूर आता हूँ और खुदावंद तू आज मुझे दिखा कि तू मेरे साथ है कि नहीं। खुदावंद ने उससे कलाम किया, उसने कहा अपनी दाहिनी तरफ देख, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। उसने जब अपनी दाहिनी तरफ देखा और नीचे देखा, उसके साथ दो पाँव और थे, दो उसके पाँव और दो उसके खुदा के पाँव उसके साथ चल रहे थे। वो चलता 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 वो खुदा से बातें करता 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 एक ऐसी आबादी के अंदर चला गया जहाँ खौफ, और जहाँ पर ऐसी आबादी थी जहाँ पर खौफ, डर, बहुत सारा अंधेरा छा गया और इतना खौफ ज़दा हो गया। फिर भी वो दुआ कर रहा है, वो आंसुओं के साथ रोने लगा, ऐ खुदावंद गयूर खुदा, तूने वादा किया है कि तेरे माँ बाप, तेरे रिश्तेदार, तेरे नातेदार, तेरे बेटे, तेरियाँ बेटियाँ जो तेरे साथ हैं वो सब तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और खुदावंद से वो कह रहा था, वो ये बातें कर रहा है और उसकी आंखों के अंदर इस कदर आंसू है, वो खौफ के अंदर है, वो रासत के अंदर है, वो परेशानी के अंदर है, वो एक मौत की वादी के अंदर है। खुदा से वो बातें कर रहा है और उसकी आंखों के अंदर इस कदर आंसू है, वो कह रहा है खुदावंद, ऐ खुदावंद, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और खुदावंद उससे कलाम करता है कि तू अपने पीछे देख। जब वो अपने पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे सिर्फ दो पाँव के निशान होते हैं। वो उसकी आंखों के अंदर और ज़्यादा आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो और ज़्यादा रोने लगता है, ऐ खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, ऐ खुदावंद देख, मेरे साथ कलाम कर, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, बता खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने कहा, जो तूने पाँव के निशान देखे हैं वो तेरे नहीं बल्कि मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों पर उठा लिया है, क्योंकि वही खुदावंद हमें अपने हाथों पर उठाने की कुदरत रखता है। हम हमेशा मुश्किल के अंदर जब होते हैं, जब हम परेशानी के अंदर होते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, शायद मुश्किल के अंदर हमें खुदा ने छोड़ दिया है। वो ऐसा खुदा है, वो वादों में सच्चा खुदा है, उसके वादे कभी नहीं बदलते, वो ना अपने वादों से कभी मुकरता है, उसके वादे ला तब्दील हैं। वो सच्चा खुदा है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम मुश्किल के अंदर होते हैं तो वो हमें अपने हाथों पर उठाए लिए फिरता है। हम सोचते हैं कि शायद उसने हमें छोड़ दिया है, लेकिन वो वक्त ट्रस्ट का होता है, वो वक्त ईमान का होता है, वो वक्त यकीन का होता है कि हमें खुदावंद पर यकीन करना है, हमें खुदावंद पर भरोसा करना है, क्योंकि वो खुदावंद हमें मुश्किल के अंदर, परेशानी के अंदर, दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर, टेंशन के अंदर जब हम होते हैं तो वो हमें अपने हाथों पे उठा लिए फिरता है। लेकिन हम इंसान होते हुए हमेशा गलती करते हैं, उस खुदावंद को छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ भागते हैं, वो उस रास्ते पर भागते हैं जो हमें नज़र तो खुला आता है लेकिन उसके आखिर पर मौत है। लिए यीशु मसीह का रास्ता सुकड़ा ज़रूर है, कठिन ज़रूर है, मुश्किलें ज़रूर हैं, परेशानियां ज़रूर हैं, लेकिन इसके एंड पर जो हमेशा की ज़िंदगी है, इसके हमेशा की ज़िंदगी वो लोग पाएंगे जो यीशु मसीह पर यकीन रखेंगे, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, जो यीशु मसीह पर ट्रस्ट करेंगे, जो यीशु मसीह पर यकीन करेंगे। वो लोग जो यीशु मसीह पर यकीन नहीं करते वो हमेशा की ज़िंदगी नहीं। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा अपने अजीज़ो कारक के सामने नहीं बल्कि अपने खुदावंद के सामने रोएं, क्योंकि वो खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमें हमेशा यीशु मसीह के फॉलोअर्स रहना है। यीशु मसीह जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा, क्योंकि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। जो उसमें कायम रहेगा, यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में कायम रहेगा मैं उसमें कायम रहूँगा। जो उसमें कायम नहीं रहेगा वो यीशु मसीह भी उसमें कायम नहीं रहेगा। हम बजाय कि किसी और के साथ अपना दुख शेयर करें, चाहे कि हम किसी और को अपना फ्रेंड बनाएं, हमें चाहिए कि हम हमेशा यीशु मसीह को अपना फ्रेंड बनाएं, क्योंकि वो जोरावर खुदावंद है, वो हमेशा हमारा अच्छा दोस्त और अच्छा चरवाहा है। अगर हम दुनिया की बात करें तो हमारा जिस्मानी बाप जो है वो हमें हमेशा अच्छी चीज़ें देने चाहता है, वो तो हमारा आसमानी बाप है, वो हमें क्यों कर नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां किस चीज़ के मोहताज हैं, इनको किस बात की फिक्र है। अगर हम कीड़े को देखें तो खुदा उन्हें पत्थरों में खुराक मुहैया करता है। अगर हम आसमान के परिंदों को देखें, ना तो वो कुछ बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, लेकिन खुदा फिर भी उनको मुहैया करता है। लेकिन हम हमेशा खुदा पर तवक्कल करना नहीं चाहते। हम अपनी मुश्किल के अंदर जैसे फंस जाते हैं, हम उसमें और फंसते जाते हैं, हम और उसकी मुश्किल के अंदर घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं। हम जैसे हम सोचते हैं कि शायद हम खुदा को छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे, शायद हम खुदा के सामने खुदा को छोड़ देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आज के दौर के अंदर किसी घर के अंदर पास्टर साहबान जाए और उससे कहे कि बेटा आप चर्च के अंदर आएँ तो खुदा आपको खुदावंद बरकत दे, आप चर्च में हैं। वो कहते हैं भाई साहब हमारे घर के अंदर थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी परेशानी है, ये हल हो जाएगी तो हम चर्च के अंदर ज़रूर आएंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप मसीह यीशु से जुदा होकर कुछ कर सकते हैं? आप यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आप दूसरों के सामने आंसुओं के साथ ना रोएं, किसी के सामने आप किसी के सामने अपने दिल के आंसुओं को आप बहाते हैं, वो बाद में आपके ठट्ठों में उड़ाता है, मजाक में उड़ाता है। आप खुदा के सामने रोएं, आप खुदा के सामने झुक जाएं, आप उसके सामने आंसुओं के साथ रोएं। वो खुदावंद खुदा है और खुदा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। आप मुश्किल के अंदर है, मैं आज आपको ये बड़ी खूबसूरत बात सिखा देना चाहता हूँ। जब आप मुश्किल के अंदर हो तो आप घुटनों के बल झुक जाइए। जैसे ही आप ज़मीन पर अपने घुटने टेकेंगे तो मैं ईमान रखता हूँ कि आपके लिए आसमान खुल जाएगा। जब आप उसके सामने घुटनों के बल झुकेंगे नहीं, जब आप उसके सामने रोएंगे नहीं, तो आपके लिए आसमान नहीं खुलेगा। आप उसके सामने रोएं, आप उसके सामने रोएं जो आपकी सुनकर आपको जवाब देगा। छोड़ दीजिए दूसरों के सामने रोना, छोड़ दीजिए आप दूसरों को बताना कि इस बार मेरी सैलरी कम आई है, जितनी सैलरी आई है उसमें शुक्र कीजिए खुदा का, उसको अजीम कहिए और उसको कहिए कि खुदा मैं इसमें तेरा शुक्र करता हूँ। मत रोइए किसी के सामने। अगर आपने रोना है, अगर आपने किसी के सामने बिलबलाना है तो आप खुदा के सामने बिलबलाइए। अगर आपने रोना है आंसुओं के साथ तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग आज मुझे किंग टीवी पर देख रहे हैं तो वो खुदा के सामने आंसुओं के साथ बोना शुरू कीजिए। अगर आज आप आंसुओं के साथ बोएंगे तो मैं ईमान रखता हूँ उस निजात दहिंदे पर जो मेरे और आपकी खातर सलीब पर चढ़ गया और जिसने मौत और कब्र पर फतह पाकर कहा कि मैं मौत तेरा डंग कहाँ रहा, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, और जिसने कहा कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, वो आपके लिए आसमान खोल देगा। आप दूसरों के सामने रोना बंद कीजिए, आप खुदा के सामने रोना शुरू कीजिए। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बहुत बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएँ, खुदा की हजूरी को महसूस करें। ए बाप आसमानी पिता परमेश्वर, जलाल के बानी, कमाल के बानी, हयल कयूम, साहिब अलुम, फ़तहमंद जलाली बादशाह यीशु नासरी, मैं आज बड़ी शुक्रगुजारी करता खुदावंद कि तूने मुझे लायक समझा कि मैं किंग टीवी पर आकर तेरी अंजील की मुनादी कर सकूं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद तेरे बंदा जॉन एडी के लिए, अपनी प्यारी बहन रिचल के लिए, खुदावंद इनकी खिदमत की हदों को बढ़ा और खुदावंद इन्हें बरकत दे और उम्र की दराज़ी और पीरी सलामती दे। और खुदावंद इनके स्टूडियो के अंदर जितने बहन भाई, जितने बिशप साहबान, जितने लोग काम करते हैं, खुदावंद उन्हें भी बरकत दे। और खुदावंद मैं ख़ास दुआ इनकी मिनिस्ट्री के लिए करता हूँ कि खुदावंद इनकी खिदमत की हदों को बढ़ा और ये पूरी दुनिया के अंदर हमेशा आपके नाम को इज़्ज़त, ऑनर और जलाल देते रहें। मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में, आमीन।